So hello everyone, we have already discussed about Maurya period in our previous lecture. In this lecture we are going to discuss about post Maurya period. In post Maurya period we will divide our lecture into three parts. First one was the caves, next one was the stoop, and third was the sculptures. So हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे. पहला केव्स हो गया, स्तूप हो गया और स्कल्पचर हो गया. सो केव्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे केव्स तीन तरह की होती है. उसमें से पहला होता है एप्साइडल वॉल्ट विथ पिलर केव्स, जैसे एग्जांपल में अजंता, एलोरा और करला केव्स. ये सारी महाराष्ट्र में पाई जाती है. एप्साइडल वॉल्ट विथ पिलर केव्स का मतलब ये है ऐसी केव्स जिनके अराउंड मतलब कॉर्नर्स पे पिलर्स प्रेजेंट होते थे. फिर आती हैं एप्साइडल वॉल्ट विदाउट पिलर केव्स. मतलब पहला हो गया, अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम केव्स को देख रहे हैं तो पहला हो गया विदाउट विद पिलर्स, एंड दूसरा हो गया एप्साइडल वॉल्ट विदाउट पिलर्स, मतलब बिना पिलर के जो केव्स होती थी उसके बारे में. उसके एग्जांपल्स हैं थाना नंदसर केव्स. फिर तीसरा आता है क्वाड्रेंगुलर हॉल फ्लैट रूफ केव, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर, जैसे कि रेक्टेंगल मान लेते हैं, क्यूबॉइड समझ लो, तो क्यूबॉइड शेप में होती थी वो सब केव्स और उसमें कोई पिलर्स वगैरह नहीं होते थे और ना ही उनका शेप जो है वो केव की तरह होता था. और इसका एग्जांपल है कॉन्डेवाइट केव इन महाराष्ट्र. ये केव भी महाराष्ट्र में पाई जाती है. तो ये जनरली ये सारी केव जो थी वो महाराष्ट्र में ही पाई जाती थी. फिर दूसरा आता है कि हम लोग ने एक बार तो डिस्कस कर लिया कि उसके स्कल्पचर के बेसिस पे, अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं उनके पर्पस के बेसिस पे कि केव्स कैसे हुआ करती थी. मतलब एक स्ट्रक्चर हो गया और एक अब पर्पस पे आते हैं. तो पर्पस के हिसाब से वो चैत्य और विहार में डिवाइडेड होती थी. चैत्य का मतलब एक बड़े प्रेयर हॉल होते थे और विहार मतलब जहां पे मॉन्क्स स्टे करते थे. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्तूप की. तो स्तूप में तीन नए मॉडिफिकेशन आए थे. एक्चुअली यहाँ पे कोई नया स्तूप बिल्टअप नहीं हुआ था, तीन बस नए मॉडिफिकेशन आए थे. पहला ये था कि उसमें नई एक प्रदक्षिणा पद बना दिया गया था, वो भी मेधी पार्ट के पास. मेधी मतलब मेडिटेटिंग लेग्स होते हैं बुद्धा के, उसके पास एक नया प्रदक्षिणा पद बन गया. दूसरा कि वहां पे जो वेदिका थी मतलब बाउंड्री वॉल्स, वो लकड़ी की थी, उसको चेंज करके स्टोन की कर दिया गया. एंड तीसरा नया डेवलपमेंट ये हुआ कि वो लोग मानुषी बुद्धा को भी वर्शिप करना शुरू कर दिया. मानुषी बुद्धा इन द सेंस कि लिविंग बुद्धा. लिविंग बुद्धा मतलब कि पहले क्या करते थे लोग, जो उन बुद्धा की पूजा करते थे जो महापरिनिर्वाण की पोजीशन में थे, बट अब वो लोग जो है नए स्कल्पचर्स बनाए और उस स्कल्पचर्स में एक लिविंग बुद्धा को भी वर्शिप करना शुरू कर दिया. मतलब ह्यूमन फॉर्म ऑफ बुद्धा, मतलब कि जिसमें वो ह्यूमन की तरह दिखते थे. सिर्फ माउंटेन्स मतलब स्तूप कोई पूजते नहीं थे, वहां पे मूर्तियां बना के भी उनकी पूजा करना शुरू कर दिया. फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया केव्स को, स्तूप को, एंड थर्ड पार्ट हमारा आता है पोस्ट मौर्य पीरियड का, दैट इज स्कल्पचर्स. स्कल्पचर्स में तीन स्टाइल होते हैं, मतलब इसको स्कूल्स भी बोलते हैं एंड तीन स्टाइल्स भी बोलते हैं. तीन स्टाइल्स ऑफ स्कल्पचर्स इज गंधारा, मथुरा एंड अमरावती. इन तीन स्कल्पचर्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गंधारा आर्ट की. गंधार या गंधारा जो बोलना चाहो बोल सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस चीज से बने थे, तो देवर मेड अप ऑफ ग्रे एंड मतलब ग्रे सैंडस्टोन एंड ब्लू शिस्ट, मतलब ये छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ब्लू कलर के, वो शिस्ट एंड ग्रे सैंडस्टोन मतलब ग्रे कलर के सैंडस्टोन से. ग्रे कलर के सैंडस्टोन इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रांग भी होते हैं रेड कलर के सैंडस्टोन से. एंड फिर दूसरा पॉइंट आता है कि किस एरिया में पाए जाते थे, तो दैट वॉज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये पूरा मतलब गंधार आर्ट बहुत ज्यादा फ्लरिश हुई. इसको पैटर्नाइज करने वाले कौन से राजा थे या कौन सी डायनेस्टी थी, तो दैट वॉज कुशान डायनेस्टी. कुशान डायनेस्टी इसको पैटर्नाइज करने का काम करती थी. फिर इसमें कौन कौन से इन्फ्लुएंस था, मतलब कहां कहां से आर्ट ली गई थी, तो दैट वॉज ग्रीक और रोमन, इन दोनों जगह से इन आर्ट्स को थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा लिया गया था. मतलब स्कल्पचर थोड़े बहुत मिलते जुलते थे, वहां से लिया गया. एंड बुद्धिज्म यहाँ पे रिलीजन कौन सा था, तो ऑब्वियसली बुद्धिज्म की बात हो रही है, तो कहीं कहीं हिंदुज्म और जैनिज्म भी प्रेजेंट देखा गया, बट बुद्धिज्म वॉज मेन, तो यहाँ पे बुद्धिज्म ही था. गंधार आर्ट में ऐसा क्या फीचर हुआ करता था कि उसे रोमन बोलते थे या ग्रीक से रिलेटेड बोलते थे,
तो रोमन इसलिए बोलते थे क्योंकि जो स्टैचूज होते थे वो बहुत ज्यादा टॉल हुआ करते थे, एंड इटालियन रोब्स मतलब इटालियन क्लोथ्स वो पहना हुआ करते थे। फिर ग्रीक की बात करें तो काफी ग्रेसफुल फेस हुआ करता था, ब्रॉड शोल्डर्स हुआ करते थे, काफी ब्रॉड मतलब चौड़े शोल्डर्स, और लार्ज फोरहेड मतलब जो मत्था होता था वो काफी ज्यादा लार्ज होता था, लार्ज ईयर लोब्स हुआ करते थे, एंड हैलो मतलब सिर के पीछे एक होता है ना, जब हम लोग देखते हैं कहीं पे गॉड वगैरह आ रहे हैं, अब भगवान आ रहे हैं तो उनके पीछे एक शाइनिंग लाइट होती है हेड के पीछे, तो दैट इज हैलो, तो वो हैलो भी प्रेजेंट हुआ करता था। तो इसलिए मतलब ये टॉल और ये जो इटालियन क्लोथ्स हो गए वो रोमन का सिग्निफाई किया, एंड बाकी जो मैंने बताया वो ग्रीक को सिग्निफाई करता है। और अगर इंडियन मतलब यहां से क्या क्या लिया गया था जो इंडिजिनस था, तो दैट वॉज फटे कपड़े हो गए, है ना, मतलब ये गंधार आर्ट में ऐसा शो किया गया था, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, है ना, गंधार आर्ट का मैं बता रहा हूँ, कोई ऑर्नामेंट नहीं, उनका थोड़ा सा स्पिरिचुअल सैड फेस दिखाया गया जिसमें कर्ली और वेवी हेयर्स थे, मतलब बहुत ज्यादा कर्ल वेवी हेयर जैसे होता ना, कई टाइम से उन्होंने कॉम्ब ना किया हो, है ना, फटे कपड़े हो गए, एंड उन काफी ज्यादा वेन्स एंड मसल्स भी शो हो रही थी, तो आधी आंखें बंद थी जैसे कई दिन से नींद ना पूरी हुई हो। तो ये गंधार आर्ट में एक ऐसा स्कल्पचर्स वहां पे बनाए गए। सो ओवरऑल ये था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं मथुरा आर्ट पे, मथुरा स्टाइल जो कि है स्कल्पचर। तो ये जो मथुरा स्टाइल है इसमें सबसे पहली बात कौन से सैंडस्टोन यूज हुए थे, तो दैट वाज रेड सैंडस्टोन्स, एंड ये जो है वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान के पार्ट्स में पाया जाता था, ठीक है। इनको भी पैटर्नाइज करने वाले कुशान हुआ करते थे, एंड इनमें कहीं से भी बाहर से कुछ भी नहीं लिया गया था, दैट वाज टोटली इंडिजिनस, मतलब पूरा इंडिया के ही पूरी आर्ट फॉर्म हुआ करती थी। यहाँ पे तीन रिलीजन्स इस कल्चर्स बनते थे, एक हो गया बुद्धिज्म, एक हो गया जैनिज्म और एक हो गया हिंदुज्म। और जो फेस हुआ करता था मतलब फीचर्स पे बात करें तो जो फेस हुआ करता था वो थोड़ा सा डिलाइट और प्लीजेंट मतलब एक हल्का सा हैप्पी फेस होता था, शेवन फेस होता था विद ऑर्नामेंट्स, थोड़े बहुत ज्वेल मतलब ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहने रखे थे, है ना, गोल्ड सिल्वर जो भी होते थे वो पहन के रखे थे। कॉम्ड हेयर, उनके बाल काफी ज्यादा कॉम थे, है ना, राउंड फेस सॉरी मतलब अच्छा फेस रहता था, और शोल्डर्स उनके राउंड हुआ करते थे, और पूरे कपड़ों पे एक मतलब प्रॉपर कपड़े हुआ करते थे, और उनके सिर के पीछे हैलो भी प्रेजेंट हुआ करता, ऑब्वियसली हैलो सिर के पीछे ही होता है, ठीक है। तो मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, हैलो जो होता है वो सिर के पीछे एक शाइनिंग लाइट होती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ गॉड है या जो भी, तो वो प्रेजेंट था और प्लीजेंट फेस था जो कि मैं बता चुका हूँ। फिर अगर हिंदू स्कल्पचर्स में इस मतलब मथुरा आर्ट में हिंदू स्कल्पचर्स की बात करें तो विष्णु और शिव जी की मूर्तियां बहुत ज्यादा प्रेजेंट थी, एंड लिंग फॉर्म ऑफ वर्शिप इन हिंदुज्म वॉज वेरी प्रेवलेंट, मतलब लिंग फॉर्म ऑफ शिवा को बहुत ज्यादा वर्शिप किया जाता था उस टाइम पे। फिर हम लोग बात करते हैं अमरावती या तेलंगाना आर्ट की। ये इस आर्ट में जो है व्हाइट मार्बल्स का यूज किया गया था, मतलब मटेरियल्स जो यूज किए गए थे दैट वाज व्हाइट मार्बल्स, ठीक है। और ये लोअर कृष्णा गोदावरी वैली के पास का रीजन हुआ करता था, मतलब तेलंगाना का रीजन जो हो गया। इनको पैटर्नाइज करने वाले सतवाहना एंड इक्ष्वाकुस थे, और यहाँ के जो आर्ट फॉर्म थी वो इंडिजिनस थी, मतलब इंडिया की ही थी, इंडिया से बाहर की नहीं थी। ओनली बुद्धिस्ट मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन ही हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे ये जो तेलंगाना में अमरावती आर्ट फॉर्म है इसमें सिर्फ बुद्धिस्ट रिलीजन ही हुआ करते थे, कोई बाहर का कोई चीज नहीं ली गई थी फीचर्स, सब इंडिजिनस इंडिया के ही थे। मेनली यहाँ पे क्या होता था कि जो वॉल्स हुआ करती थी उनके पैनल्स पे जातक स्टोरीज कार्ड दिखती थी, मतलब वो जो वॉल्स हुआ करती थी ना वेदिका बाहर की, उन पे जो है जातक स्टोरीज बनी होती थी, कई स्क्रिप्चर्स बने होते थे, मतलब कई ह्यूमंस या फिर जो भी उन्हें स्टोरीज में दिखाना हो वो उस वॉल पे दिखा देते थे, ठीक है। और एग्जांपल में जैसे बुद्धा कॉन्करिंग मरा विजय आर्मी, बुद्धा जो है मरा विजय आर्मी को कॉन्कर कर रहे हैं। मरा विजय आर्मी क्या था, मरा विजय आर्मी वॉज हिज डिजायर्स, मतलब उनकी जो डिजायर हुआ करती थी, जैसे इंसान की डिजायर होती है हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो दैट वॉज उनको कॉन्कर कर लिया, मतलब नहीं कुछ नहीं चाहिए, वो खुद में ही सेटिस्फाइड हो गए, तो दैट इज स्टेज ऑफ कि हाँ बुद्धा कॉन्कर्ड मरा विजय आर्मी, तो उन्होंने मरा विजय आर्मी नाम दिया था, ठीक है। और भी कुछ स्टोरीज हुआ करती थी, जैसे क्वीन माया देवी जातक स्टोरी, क्वीन माया देवी की जातक स्टोरी थी, तो ओवरऑल वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हमें जो है माया मोह से दूर रहना चाहिए, ऐसा ओवरऑल ये कन्वे करने की कोशिश की जा रही थी इन पैनल्स पे। तो ये था अमरावती का। और एक भूमि स्पर्श मुद्रा में भी बुद्धा पाए गए,
जिसमें वो ये कन्वे करना चाह रहे थे कि उनकी प्योरिटी की जो प्रूफ है वो ये धरती है, वो दे रही है, मतलब वो जो है भूमि स्पर्श मतलब जमीन को छुए हुए है ऐसा अपना स्कल्पचर्स में, स्कल्पचर जो उनका बना हुआ है स्ट्रक्चर, और उसमें ये दिखा रहे हैं कि हाँ भूमि जो है धरती जो है वो विटनेस कर रही है कि हाँ हाउ प्योर बुद्धा इज, एंड वो ये भी विटनेस करी इसी तरह से उन्होंने मरा विजय आर्मी को भी डिफीट किया, एंड वो ये कन्वे करना चाहे कि मरा विजय आर्मी इज जस्ट हिज ओन विशियस थॉट्स। तो यहाँ पे ये लेक्चर एंड हुआ, इफ यू लाइक इट, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, थैंक यू वेरी मच।